हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, किंतु ये सब करने से पूर्व हमें अपना अहंकार और घमंड त्याग देना चाहिए। ये कहना है जगदीश चंद्र बोस का। नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। भारत के अनेक वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में अपने कार्यों से पहचान बनाई है। ऐसे ही वैज्ञानिकों में एक नाम शामिल है, जगदीश चंद्र बोस का। जगदीश चंद्र बोस को जेसी बोस के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य जेसी बोस के समकालीनों में रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे। वो समय था बौद्धिक क्रांति का, और यही वो समय था जब देश में विज्ञान शोध कार्य लगभग नहीं के बराबर थे। उस समय जिन्होंने रेडियो तरंगों और सूक्ष्म तरंगों पर कार्य किया था वो थे जगदीश चंद्र बोस। तो आइए जानते हैं महान वैज्ञानिक की ग्रेट जर्नी के बारे में। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के आविष्कार तथा पेड़ पौधों में जीवन सिद्धांत के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भौतिक वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और लेखक भी थे। जेसी बोस ऐसे समय पर कार्य कर रहे थे जब देश में विज्ञान शोध कार्य लगभग नहीं के बराबर थे। ऐसी परिस्थितियों में भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी बोस ने विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान दिया। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान और शोध को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने उन्हें रेडियो विज्ञान के जनकों में से एक माना। हालांकि रेडियो के आविष्कार का श्रेय इतालवी आविष्कारक मार्कोनी को चला गया, परंतु बहुत से भौतिक शास्त्रियों का कहना है कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ही रेडियो के असली आविष्कारक थे। जेसी बोस के अनुसंधानों और कार्यों का उपयोग आने वाले समय में किया गया। आज का रेडियो, टेलीविजन, भूतलीय संचार, रिमोट सेंसिंग, रडार, माइक्रोवेव ओवन और इंटरनेट जगदीश चंद्र बोस के कृतज्ञ हैं। आचार्य जेसी बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह के ररौली गांव में हुआ। उनके पिता भगवान चंद्र बोस ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में विभिन्न कार्यकारी और दंडाधिकारी पदों पर कार्यरत रहे। जगदीश के जन्म के समय उनके पिता फरीदपुर के उप मजिस्ट्रेट थे और यहीं पर बोस ने अपना आरंभिक बाल्यकाल बिताया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक पाठशाला से आरंभ की जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था। उनके पिता बड़ी आसानी से अपने पुत्र को स्थानीय अंग्रेजी स्कूल में भेज सकते थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनका बेटा मातृभाषा सीखे और अंग्रेजी भाषा सीखने से पहले अपनी संस्कृति के बारे में जाने। वर्ष 1869 में उनको कोलकाता भेजा गया, जहाँ 3 माह हेयर स्कूल में बिताने के बाद उन्हें सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला मिल गया, जो एक सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज दोनों ही था। 1879 में बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान ग्रुप में बीए परीक्षा पास कर चिकित्सा शास्त्र पढ़ने लंदन रवाना हो गए, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण जनवरी 1882 में वो लंदन छोड़ कैम्ब्रिज आ गए, जहां नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए उन्हें क्राइस्ट कॉलेज में दाखिला लिया। वर्ष 1884 में बोस ने नेचुरल साइंस में दूसरी श्रेणी में कला स्नातक की ओर लंदन यूनिवर्सिटी से विज्ञान स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। भारत वापस आकर उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1885 में दाखिला लिया। वे पहले भारतीय थे जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में हुई। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में नस्ली भेदभाव के बीच धन और वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव के बावजूद अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा। एक अध्यापक के तौर पर बोस अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके छात्रों में से कईयों ने आगे जाकर बहुत नाम कमाया। उनमें से प्रमुख थे सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाद साहा।
वर्ष 1894 के बाद उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से अनुसंधान और प्रयोगों में समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में बाथरूम से सटे एक छोटे से बाड़े को प्रयोगशाला में बदल दिया। यहाँ उन्होंने अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण से जुड़े प्रयोगों को अंजाम दिया। उनको वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कारक कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्कोनी के आविष्कार के पेटेंट से एक साल पहले ही बोस ने अपने आविष्कार का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया था। उन्होंने एक बेहद संवेदनशील कोहरर जो रेडियो तरंगों को ज्ञान कराता है का निर्माण किया। उन्होंने ये पाया कि एक लंबी अवधि तक लगातार प्रयोग किए जाने पर कोहरर की संवेदनशीलता कम हुई और कुछ अंतराल के बाद प्रयोग किए जाने पर उसकी संवेदनशीलता वापस आ जाती है। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि धातुओं में भी भावना और स्मृति है। जेसी बोस ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो सूक्ष्म तरंगे पैदा कर सकती थी और जो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की थी, और इसलिए उनका यंत्र इतना छोटा था कि उसे एक छोटे बक्से में भी कहीं भी ले जाया जा सकता था। उन्होंने दुनिया को उस समय एक बिल्कुल नए तरह की रेडियो तरंग दिखाई जो कि 1 सेंटीमीटर से 5 मिलीमीटर की थी, जिसे आज माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंग कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस बाद में धातुओं और पौधों के अध्ययन में लग गए। उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से ये दर्शाया कि पौधों में भी जीवन है। उन्होंने पौधों की नब्ज को दर्ज करने के लिए एक उपकरण का आविष्कार किया। इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने एक पौधे को जड़ सहित एक बर्तन में डाला जो ब्रोमाइड से भरा था। इसके बाद ये पाया गया कि पौधे की नाड़ी की धड़कन अस्थिर होकर बढ़ने लगी। जल्द ही धड़कन बहुत तेज हो गई और फिर स्थिर। जहर के कारण पौधे की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1915 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त के पश्चात उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा और धीरे धीरे अपनी प्रयोगशाला को अपने घर पर स्थानांतरित कर दिया। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना 30 नवंबर 1917 में हुई और आचार्य जगदीश चंद्र बोस अपने जीवन के अंतिम समय तक इसके निदेशक रहे। विज्ञान के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के बदले जगदीश चंद्र बोस का बड़ा सम्मान हुआ और उन्हें अनेक उपाधियां मिली। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। उन्होंने बोस अनुसंधान संस्थान की नींव डाली और अपनी समूची संपत्ति इस संस्था को दान कर दी। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस का अतुल्य योगदान रहा है। वैज्ञानिक रहते हुए उन्होंने वनस्पति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोज की। आज उन्हीं की बदौलत हम पौधों और उनकी क्रियाओं को भली भांति जान पाए हैं। बोस भारतवर्ष के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके द्वारा लिखित वैज्ञानिक कथाएं आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने न केवल देश का नाम रोशन किया बल्कि आगे वाली पीढ़ी के मन में विज्ञान की ललक भी जगाई। वे हमेशा कहते थे, यदि आप जीतने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आपको हार का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि एक हार ही है जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील और बेहतर बनाती है। यदि आप जीवन में हार से लड़ना सीख गए तो सफलता आपके कदमों में होगी। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ विज्ञान की जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया।